वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस, दिस इज अमित शर्मा। आज हम इस लेक्चर में क्लास टेंथ के चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आपका टॉपिक है, कितने टाइप से हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी पर आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है वो आपकी 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 के टोटल 4 एक्सरसाइज आपकी उसी पर बेस्ड हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो नेचर होती है वो किस टाइप की नेचर होती है, उसके लिए आप फर्दर डिटेल्स के लिए आप यू कैन वॉच प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस सीरीज। जो इस सीरीज के वीडियोज के मैंने पार्ट बनाए हैं वो पहला वाला पार्ट आप उसमें देख सकते हैं, वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशंस के कौन कौन से नेचर होते हैं, मतलब वो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल होंगी या नॉन पैरेलल होंगी। ओके, तो लेट्स मूव। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देयर आर 4 मेथड्स। इसके 4 मेथड्स हैं टू वेरिएबल्स को इक्वेशंस को सॉल्व करने के। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। हालांकि क्लास 9th में आपने ये चैप्टर पढ़ा है, वहां चैप्टर था ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट मींस आपके पास वहां पर केवल एक सिंगल इक्वेशन थी। आज आपके पास क्लास 10th में वही चैप्टर दोबारा से है, लेकिन यहां पर पेयर एक वर्ड लग गया, पेयर, और पेयर मींस हो गया आपके पास लीनियर इक्वेशन कितनी होंगी, 2 होंगी। तो उनके सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करने होंगे। वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का पहला मेथड आपका क्या होगा, ग्राफिकल, दैट मींस आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा दोनों लाइन का, फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताना होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड आपका आता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड मेथड, और सबसे लास्ट मेथड आपका आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चारों मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी पर बेस्ड आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, आते तो और भी हैं लेकिन ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको आज इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होंगी उनको चारों मेथड से, एक ही क्वेश्चन को, एक सिंगल क्वेश्चन को चारों मेथड से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो सॉल्व होगा, और सभी से आंसर कैसा आएगा, आपका सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 2x plus y minus 6 equals to 0 and second is 4x minus 2y minus 4 equals to 0. These are the pair of linear equation. दोनों ही हमारी linear equation है, और pair क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो equation है इसलिए pair है। linear equation किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर degree 1 है तो ये हमारा linear है। equation क्यों है, क्योंकि यहाँ पर equal का sign भी है तो ये equation भी है। okay, तो सबसे पहला method हम use कर रहे हैं, first method graphical, ग्राफ। अब ग्राफिकल के लिए आपने क्लास 9th में भी ग्राफ बनाया था पर्टिकुलर एक लाइन का, उसी तरीके से हम यहां पर बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन हम ले रहे हैं 2x plus y minus 6 equals to 0, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए y equals to हम लिख सकते हैं minus 2x plus 6। हमने क्या किया, ये 2x को हम राइट साइड ले गए माइनस का हो गया, माइनस सिक्स को हम राइट साइड ले गए प्लस का हो गया माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। अब यहां पर अपनी तरफ से आप x की वैल्यूज आप रखेंगे, सपोज दैट मैंने पुट x इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू मैं यहां पर जीरो पुट कर रहा हूं, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस टू इंटू जीरो प्लस सिक्स, दैट इज ओनली 6, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा, सिंपली आपको 6 मिलेगा। तो आपका जो पॉइंट मिला यहां पर, जो सोल्यूशन मिला, वो सोल्यूशन क्या मिला, जीरो रखने पर आपको क्या मिला, 6, इट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरली आप कोई दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, मैंने x इक्वल टू 0 रखा है, अब यहां पर कोई दूसरी वैल्यू ले लो, पुट x इक्वल टू -1, मान लीजिए मैंने -1 रखा, तो -1 रखने पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर रखो -2 ब्रैकेट में -1 प्लस 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6 8, तो आपका पॉइंट कितना हो गया आपकी बार, -1, 8। ओके, नेक्स्ट अगेन बी पुट x इक्वल टू +1, आपकी बार +1 रख रहे हैं यहां पर, तो कितना मिलेगा,
वाई इक्वल टू माइनस टू इंटू वन प्लस सिक्स, तो आपको मिलेगा सिक्स माइनस टू फोर। तो पॉइंट आपको क्या मिला, वन कॉमा फोर, थ्री पॉइंट्स आपको मिल गए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, इसी तरीके से आप नाइन्थ में बनाते थे, वहां पर आप क्या करते थे, एक्स और वाई मेंशन करते थे इसमें, और वैल्यूज इसमें पुट करके आप लिखते थे, ऐसे ही करते थे। तो एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी यहां पे, जीरो, वाई क्या मिला, सिक्स, तो ये आपका जीरो हो गया, ये सिक्स। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या मिला, माइनस वन रखने पर एट मिला, वो मेंशन कर दिया। थर्ड पॉइंट में वन रखने पर आपको फोर मिला। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल बन गई विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इसी प्रोसेस से आपको क्या करना होगा, जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, उस सेकंड इक्वेशन में भी हमें वैल्यूज रखनी होगी। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट करो, माइनस 2y इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 4x प्लस 4। ये माइनस 4x उतर जाएगा, माइनस 4x हो गया, माइनस 4 प्लस का हो गया। अब माइनस 2 से जब डिवाइड करोगे, यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस, 2 जा 4, आपके पास आ गया सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू 2x माइनस 2। अब यहां पर वैल्यूज पुट करो जैसे पहले की थी, तो पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 माइनस 2, दैट इज सिंपली माइनस 2। तो पॉइंट क्या मिला आपको इस बार, 0 रखने पर माइनस 2, फिर पुट करेंगे 1, पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 0। यहां पर 2 इंजर 2, 2 माइनस 2 0, तो पॉइंट आपको क्या मिला आपकी बार, 1 कॉमा 0। अगेन पुट x इक्वल टू माइनस 1, अब माइनस 1 रखते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो ये मिला माइनस का 4। तो पॉइंट आपके पास आ गया माइनस 1 कॉमा माइनस 4। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट से हम इस लाइन के लिए भी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी। वो टेबल किस तरीके से बनेगी, फिर एक्स और वाई मेंशन करेंगे और उसमें एक्स एंड वाई, आपने एक्स की वैल्यू पहले क्या रखी, जीरो, वाई क्या मिला आपको माइनस टू, और एक्स क्या रखा वन, वाई क्या मिला जीरो, थर्ड माइनस वन रखने पर आपको माइनस फोर मिला। इनके ऊपर इक्वेशंस जरूर मेंशन करते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाला जो टेबल है वो कौन सी इक्वेशन का है, 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड जो आपका है वो किसका है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ ग्राफ के लिए आप पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एंड एक्स डैश, और एक कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन, दैट इज वाई एंड वाई डैश, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सिमिलरली x डैश x पर किस में आएगा, माइनस में, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 एंड माइनस 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही y एक्सिस पर आपका क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ऐसे ही माइनस एक्सिस पर आ जाएगा कितना, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम पहली वाली टेबल लेकर चल रहे हैं, वहां पर आपका कितना है, देखो x इक्वल टू आपका 0 है और y इक्वल टू 6 है, तो 0 आपका ये वाला पॉइंट हो गया, और 0 पे कहां जाना है हमें, 6 पे जाना है, और y हमारा 6 प्लस का है, तो अपर साइड जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज द पॉइंट, पहला वाला पॉइंट हो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है माइनस 1, 8, तो माइनस 1 आपका किधर आ गया, ये, और 8 कहां पर जाओगे आप, अपर साइड, क्योंकि प्लस का है, तो 1 पे माइनस 1 पे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी सीध में ही जाएंगे कहां तक, यहां तक, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक, थर्ड है 1, 4, तो 1 आपका ये रहा,
एक्स एक्सिस पर, और फोर कहां चलेंगे, वन टू थ्री फोर, ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया। अब ये तीनों पॉइंट जो मिलेंगे आपको वो एक लाइन में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक लाइन से ये अलग हो जाएंगे, इन तीनों पॉइंट लाइन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। और यहां पर पॉइंट्स के नाम भी लिख दो, पहला पॉइंट क्या था आपका, जीरो, ये वाला कौन सा है, माइनस वन कॉमा एट, और फिर दूसरा कौन सा था, ये सिक्स वाला, जीरो कॉमा सिक्स, और थर्ड था आपका वन कॉमा फोर, ये हमने मेंशन भी कर दी, ओके। नाउ मूव टू सेकंड, जीरो कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू, तो जीरो ये रहा, माइनस टू कहां है, ये रहा पॉइंट आपका। सेकंड है वन कॉमा जीरो, तो वन कॉमा जीरो। थर्ड है माइनस वन कॉमा माइनस फोर, तो माइनस वन ये रहा, माइनस फोर कहां आएगा, ये आ गया माइनस वन कॉमा माइनस फोर। इनको भी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल इन तीनों को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर दोनों लाइंस को आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें भी पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं, ये वाला पॉइंट था माइनस वन कॉमा माइनस फोर, ये वाला पॉइंट कितना था, जीरो कॉमा माइनस टू, और ये वाला कितना था आपका, वन कॉमा जीरो। इतना काम कर लेंगे, इस लाइन को और एक्सटेंड करेंगे, और इस लाइन को भी आप एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने पर यहां पर इक्वेशन मेंशन करेंगे, ये वाला कौन सी लाइन का ग्राफ है, ये ग्राफ जो लाइन बनी है वो किसकी है, 2x plus y minus 6, ओके? और दूसरी ये वाली किसकी थी, 4x minus, यहां मेंशन कर देंगे 4x minus, minus 4 equals to 0, दोनों लाइन हो गई। अब ये दोनों लाइन आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती हुई दिखाई दे रही होंगी, किस पॉइंट पर कट रही है, यहां पर कट रही है, ओके। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आपका वो कैसा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और दूसरा किस पर ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो आपको एक्स कितना मिल रहा है, ये पॉइंट कितना आपको मिल रहा है, देखो यहां से एक्स पे कितने पर आ रहा है, ये टू पर, और वाई पर भी कितने पर आ रहा है, टू पर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अब मूव करते हैं हम सेकंड मेथड पे। नेक्स्ट सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे पहली से या दूसरी से, x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में आप फाइंड आउट करोगे। तो हम यहां लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन से ले रहा हूं, तो यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो y पहले लिखोगे, y के इक्वल में क्या चला जाएगा, जो भी कुछ है वो सब बराबर में ले जाओ, इक्वल में ले जाओ, तो y को छोड़ करके हमारे पास जो बचा वो राइट साइड में ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2x, 6 आपका प्लस का, 2x माइनस का। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये आपकी थर्ड। अब ये वैल्यू आपने जो निकाली थी वो कौन सी इक्वेशन से निकाली थी, फर्स्ट से निकाली थी, तो फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में रखोगे, और सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखोगे, इस बात का ध्यान रखोगे। तो हम ये वैल्यू अब पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये हम किसी में भी रख सकते हैं। वाई इक्वल टू सिक्स माइनस टू एक्स रखो, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, फोर एक्स माइनस, यहां पे क्या लिखा है, टू, अब क्या रह गया ये वाई, वाई के प्लेस पर क्या आएगा, सिक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई करो, 4x माइनस 2 की मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। x वाले टर्म्स देखो कौन कौन से हैं, 4x और 4x 8x, माइनस 12 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 16, तो 8x इक्वल टू आपको कितना मिला,
16 8 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपको क्या मिली 2। ये वैल्यू आप रखोगे थर्ड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड में हम क्या करेंगे, थर्ड इज y इक्वल टू आपके पास है 6 माइनस 2x, इसमें वैल्यू रखो 6 माइनस 2 इंटू 2, y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन हुआ आपका वो क्या हो गया, x की वैल्यू भी 2 मिली और y की वैल्यू भी आपको 2 मिली। और इससे पहले अभी हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, वहां भी आंसर आपका क्या आया था 2.2, और यहां पर भी क्या आया 2.2। इट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी मूव टू थर्ड मेथड, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन के या तो एक्स के या वाई के दोनों के कोफिशियंट, दोनों में से किसी एक के कोफिशियंट को इक्वल बनाना होता है। वो आपको देखना होगा कि आप किसका इक्वल कर रहे हो, एक्स का या वाई का। तो वो कैसे डिसाइड होगा, देखो यहां पर वाई के साथ पहले क्या है, कोई भी नंबर यहां पर नहीं है, दैट मीन्स यहां वन है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहां पर क्या है वन है, जबकि यहां पर क्या है दूसरी इक्वेशन में टू है। ओके, तो अब वाई को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए, टू और होना चाहिए। वाई के साथ यहां पर टू है तो यहां भी टू होना चाहिए। दैट मीन्स इक्वेशन वन में आप मल्टीप्लाई करोगे किसकी, टू की, टू की मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में, इक्वेशन नंबर टू में। अगर आप इक्वेशन वन में टू की मल्टीप्लाई करते तो वहां से कितना आता, तब यहां फोर आ जाता। तब हम क्या करते, फोर से फोर तब कटता जब यहां प्लस की जगह क्या साइन होता, माइनस होता। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से दे रहे हैं। तो पहले हम इक्वेशन वन में टू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा, टू टू जा फोर प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, होल इक्वेशन में टू की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। सेकेंड इक्वेशन उसी के नीचे लिखो 4x - 2y - 4 इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहां पर मैंने एड का निशान लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी इन दोनों के साइन कैसे हैं, एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो वो एड करने पर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम साइंस चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, तो हमारा साइन यहां प्लस का हो जाएगा। उस केस में ये इससे ही कैंसिल आउट नहीं होगा और हमें कैंसिल करना है, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने पर 2y से 2y कैंसिल आउट, अब जो बचा उनको ऐड कर लो, 4x और 4x कितना हो गया 8x माइनस 12 माइनस 4 इज 16, तो यहां से 8x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू कितना मिला आपको 2 मिला। और ये आप पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, यहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 1 में रखो या 2 में रखो आपकी मर्जी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट में रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यू गेट 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 या वाई माइनस 4 इक्वल वाई माइनस 2 माइनस 6 से, यहां पर 2 हमने 2 रखा तो 2 की मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 6 इज माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपको कितना मिला 2। तो यहां पर भी जो हमारा सोल्यूशन आया वो कितना आया 2.2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने ये तीन मेथड यहां पर पढ़े, कौन कौन सा, पहला था हमारा ग्राफिकल, दूसरा था हमारा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा कौन सा था एलिमिनेशन। तीनों मेथड से इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो क्या आया आपका, सेम आया 2.2। अब इसका एक मेथड आपका और रह जाता है, वो कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो जनरली उस पर एक बेस्ट क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो और वीडियोस की ऑल सीरीज को आप देखते रहिए।